हेलो फ्रेंड्स, कादियान्स किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फ्लोटिंग दिया, जी हाँ दोस्तों, फ्लोटिंग जो पानी पे तैरेगा वो वाले दिया बनाने वाली हूँ, जो बहुत ही इजीली बन जाते हैं। तो इसमें हमें दिया की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ पानी, तेल और बाती चाहिएगा। ये देखिए, ये 3 इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिएंगे। और अगर आप थोड़ा सा फैंसी लुक देना चाहते हैं आप, तो आप इस तरह से थोड़ा सा फैंसी आइटम भी डेकोरेट करने के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्रिस्टल बॉल्स लिए हैं, कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स लिया है, और ये देखिए, ये है पत्ते, ये जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ में आते हैं वो भी मैं ले रही हूँ। आप चाहें तो आप ओरिजिनल भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से ये सजाने के बाद में हम ऊपर से इस पे पानी डाल लेंगे। और पानी को डालने के बाद में हम तेल डालेंगे। तेल आप अपने चॉइस का ले लीजिएगा, मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। फ्लावर्स को फ्रेंड्स हमें पानी से पूरा कवर करना है और तभी तेल डालना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। और ये देखिए, मैं अभी ले रही हूँ थोड़ा सा थिक वाला प्लास्टिक पॉलीथीन बैग, या फिर आप इस तरीके जो हम बच्चों के बुक्स पे कवर करते हैं वो वाला पॉलीथीन कवर भी आप ले सकते हैं। तो इसे मैं सर्कल शेप में काट रही हूँ, आप चाहें तो स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं। और उतना ही साइज़ हमें काटना है जितना कि ग्लास या बाउल में सेट हो सके। तो ये मैं एक रफली अंदाजे से काट रही हूँ, और बाद में ऊपर से मैं ग्लास पे रख करके देख लूँगी, एस्टिमेट लगा लूँगी और साइड से कॉर्नर उसके कट कर दूँगी। तो ये देखिए, थोड़ा सा बड़ा है तो इसके साइड को मैं कट कर रही हूँ। अब इस पे हमें थोड़ा छोटा सा ही होल करना है, आप चाहे सेफ्टी पिन से करें या इस तरह सीजर से भी कर सकते हैं। और इसके थ्रू हम बाती को निकाल लेंगे। तो ध्यान रहे हमें बिल्कुल सेंटर में ही होल करना है। ये देखिए मैं बाती को निकाल रही हूँ, और बाती नीचे की साइड में जो तेल में डूबेगी वो लंबी नहीं रहनी चाहिए, तो उसे हम काट लेंगे, छोटा ही रखेंगे। और ऊपर से भी मैं हल्का बाती को काट दे रही हूँ। और अब हम इसे रख लेंगे। पहले इस पे थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, और बाकी का तेल ये अपने आप ही सोक कर लेगा। ये देखिए, हमारी जो कैंडल्स हैं वो सुपर इजी वाली रेडी हो गई हैं। तो मैं अब इन्हें जला करके दिखा रही हूँ। देखिए फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मेरा DIY कैसा लगा। आई नो ज़रूर अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ही ईजी है, सस्ते में हम अपने घर पे बना सकते हैं।